पूरी जन सैलाब पूर्णिया के सड़कों पर है और चप्पा चप्पा डोल रहा है, पप्पू पप्पू बोल रहा है। जब बाढ़ आया था कहाँ गए थे तेजस्वी यादव? 40 सीट जीते या ना जीते, लेकिन एक सीट पप्पू यादव जरूर जीतेगा। जनता जो है, पूरे बिहार की जनता देख ली है कि इनके साथ कितना छल किया गया। पप्पू यादव के साथ छल किया गया। अरे पप्पू यादव के साथ तो इनकी राजनीतिक हत्या की साजिश की गई। क्या माहौल है पूर्णिया का भाई साहब? पूर्णिया का माहौल क्या है? पूर्णिया में सिर्फ पप्पू यादव है। पप्पू यादव है क्या? पप्पू यादव है, पप्पू यादव, पप्पू यादव भी यादव है, तेजस्वी यादव भी यादव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ सौरभ राज। पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया है। आप तस्वीरों में देखिए कि पप्पू यादव किस तरीके से पूर्णिया बाजार को भर दिए हैं, हुजूम है। उनके समर्थकों की जो भीड़ है वो देखने से ये लग रहा है कि पप्पू यादव को लेकर के पूर्णिया की जनता में उत्साह है। अब तस्वीरों में देखिए कि पप्पू यादव भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, पप्पू यादव के लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। देखिए कि पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय नॉमिनेशन किए हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया में 26 अप्रैल को वोटिंग होना है और यहां से जेडीयू से संतोष कुशवाहा, आरजेडी से बीमा भारती और पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। अब यहां पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। पप्पू यादव पूर्णिया से पहले भी सांसद रह चुके हैं और वो निर्दलीय जीते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करें। क्या माहौल है पूर्णिया का भाई साहब? पूर्णिया का माहौल क्या है? पूर्णिया में सिर्फ पप्पू यादव है। पप्पू यादव है क्या माहौल? पप्पू यादव है, पप्पू यादव, पप्पू यादव भी यादव है, तेजस्वी यादव भी यादव है। किसको दीजिएगा वोट? किसी सीमांचल में अगर देंगे तो यादव, पप्पू यादव को देंगे। पप्पू यादव को लेकर किसी यादव के साथ कई दुर्घटना होता है, पप्पू यादव आते हैं, ना कि तेजस्वी यादव आता है। जो समर्थक है काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। पूरे पूर्णिया बाजार में आप हुजूम देखिए कि पप्पू यादव को लेकर के जिस तरीके से उनके नॉमिनेशन में जो हुजूम दिख रहा है, पूरा पूर्णिया बाजार भरा पड़ा है। 26 अप्रैल को पूर्णिया में वोटिंग होनी है और यहाँ पे पप्पू यादव माला पहन करके निकल चुके हैं। पप्पू यादव नॉमिनेशन कर चुके हैं और निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। पप्पू यादव को लेकर के यहाँ के लोग काफी ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं। देखिए कि बाहर से भी लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए भाई साहब, आप बताइए? हम मधुबनी से आए हुए हैं। मधुबनी से आए हैं पूर्णिया में? पूर्णिया क्या करने आए हैं आप? अरे गरीबों का मसीहा जो है पप्पू यादव जी, आपको जानकारी है? आप तो मीडिया वाले हैं, आप लोगों से अगर कोई जानते हैं जल्दी बोलिए। जब बाढ़ आया था कहाँ गए थे तेजस्वी यादव? 40 सीट जीते या ना जीते, लेकिन एक सीट पप्पू यादव जरूर जीतेगा। पप्पू यादव को लेकर के पूर्णिया की जनता जिस एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है, पूरा पूर्णिया पप्पू यादव लेकर के हम लोग पप्पू यादव को जिताएंगे। यहाँ जिताइएगा आप लोग, यहाँ से एक सीट निश्चित जीतेगा पप्पू यादव, पप्पू यादव जिंदा। चलिए तो देखिए कि यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है ये बताइए क्या हाल है मौलाना साहब आपका? मैं पटना से आया हूँ, स्टेट कांग्रेस से आए हैं आप? स्टेट कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सीट ये पप्पू यादव जीते, इनकी बड़ी कुर्बानी। कांग्रेस के प्रवक्ता हूँ, स्टेट कांग्रेस का। बागी होकर बागी नहीं हूँ, मैं समर्थक हूँ। मैं उनका व्यक्तिगत संबंध है उनसे। पप्पू यादव को जिताने आए हैं? जिताने आया हूँ। देखिए कि यहाँ पे जो लोग हैं, पूरा पूर्णिया बाजार पप्पू यादव को लेकर के काफी ज्यादा कह सकते उत्साह में है और जो इनके साथ लोग हैं वो हर पार्टी हर दल के नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देख, बताइए जल्दी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत पहले आज से 20-25 बरस पहले जब हम लोग बच्चा थे तो उस समय सुने थे कि पप्पू यादव कोई शख्स है जो निर्दलीय चुनाव पूर्णिया से जीते। अगर उस बात को मैं याद करता हूँ, मैं भगवान से विनती करता हूँ कि सही सभी पार्टी वाले ने सही किया जो इनको टिकट नहीं दिया, नहीं तो जीत नहीं पाते। इनका जीत निर्दलीय ही तय है, निर्दलीय ही रहेगा। चलिए जय पप्पू, जय पप्पू, निर्दलीय जीतेंगे। पप्पू यादव को लेकर के देखिए कि हुजूम जिस तरीके से है, पूरा पूर्णिया पप्पू यादव को लेकर के तैयार है। क्या हाल है पूर्णिया का? क्या माहौल है भाई साहब? पूरी जन सैलाब पूर्णिया के सड़कों पर है और चप्पा चप्पा डोल रहा है, पप्पू पप्पू बोल रहा है। चलिए पप्पू पप्पू बोल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से, और मुजफ्फरपुर वासियों की शुभकामना लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं।
और देश में वायनाड में एक अपार बहुमत से और बिहार में पूर्णिया अपार बहुमत से इतिहास और रिकॉर्ड दर्ज करेगा। रिकॉर्ड दर्ज कराने जा रहा है। आपको बता दे कि पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय नॉमिनेशन किया है, 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि हाल ही में पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में गए थे, दिल्ली में मिलन समारोह हुआ था, लेकिन पटना के सदाकत आश्रम में पप्पू यादव नहीं गए। और कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से जो कागजी तौर से वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे, और आरजेडी के खाते में पूर्णिया की सीट आई महागठबंधन में, और आरजेडी की ओर से बीमा भारती को तेजस्वी यादव ने मैदान में उतार दिया है। अब यहाँ पे पूर्णिया में पप्पू यादव के सामने बीमा भारती आरजेडी से हैं और जेडी से संतोष कुशवाहा। अब देखना होगा कि ये त्रिकोणीय मुकाबला में बाजी कौन मारता है। पप्पू यादव पहले भी पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। क्या माहौल है पूर्णिया का बताइए? पूर्णिया का माहौल बहुत ही अच्छा है और यहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई ही नहीं है। जनता जो है पूरे बिहार की जनता देख ली है कि इनके साथ कितना छल किया गया। पप्पू यादव के साथ छल किया गया। अरे पप्पू यादव के साथ तो इनकी राजनीतिक हत्या की साजिश की गई। चलिए तो बच गए, हत्या होते होते बच गया, एकदम बच गए। और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसको भुगतना पड़ेगा? जो लोग छल किए हैं। चलिए तो जो लोग पप्पू यादव के साथ छल किए हैं, भाई साहब का इनका कहना है, चाचा जी का, कि उनको भुगतना पड़ेगा। चलिए बताइए, आइए जिनको बोलना, आइए ना इधर आइए। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप लोग? कहाँ से आए बताइए आप? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं भाई? भागलपुर से। भागलपुर से आप? कहाँ से आए हैं? भागलपुर से आए। आप कहाँ से आए? गोरा विधानसभा से। और हम सभी पप्पू भैया के समर्पित हैं, उनके नाम पे। आप कहाँ से? हम मधेपुरा से आए हैं। मधेपुरा से आए हैं? क्या माहौल है पूर्णिया का? बहुत अच्छा माहौल है, पप्पू यादव के सपोर्ट में हैं। दिलवाइएगा यहाँ के परिवारों से पूरे। चलिए पूरे जी, एकदम ठोक देना। कोई है ही नहीं, कोई टक्कर में नहीं है पप्पू भाई के अलावा, कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि पूर्णिया की जनता, आइए 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 आइए, बिहार में कौन ऐसा, आइए उधर 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 देखिए ना, उधर देखिए, बिहार में ऐसा कौन नेता है कि अपना संपत्ति बेच कर, अपना संपत्ति बेच करके ही पूरा बिहार वासी को लगाया है? और अपना गांधी मैदान पटना का जमीन बेच करके करुणा में वो एक सब बॉस भेजा सब युवा को बनाने के लिए, सब युवा को अपना बीवी बच्चे माँ देख करके खुश हो गया। यार जो कोई वोट पूर्णिया जिला में देगा उसको धिक्कार है पप्पू यादव। चलिए पप्पू यादव को लेकर के देखिए, आप भी बोली लीजिए, हम लोग आप भी बोलिए। हम लोग भी जो है ना सर, दुख में भी जाते हैं, हर वक्त जो है पप्पू यादव हम लोगों को खड़ा रहता है, हर शख्स में भी, हर जरूरत में भी। हाँ हम लोग भी जो है उसके साथ हैं। चलिए तो आप यहाँ की जनता के सुने, नॉमिनेशन के बाद जिस तरीके से पूर्णिया में पूरी तरीके से पूर्णिया का बाजार पप्पू यादव के समर्थन में भर चुका है, और यहाँ पे हर जिला से उनके लोग आए हुए हैं, दूसरे दल से भी लोग आए हुए हैं। अब देखना होगा कि नॉमिनेशन के बाद जब यहाँ पे वोटिंग होगी 26 अप्रैल को, तो यहाँ का माहौल क्या होता है, और फिर जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा तो पूर्णिया का विजेता कौन होगा। पूर्णिया से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।